नमस्कार, क्विक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके फ़ोन में गूगल फोटो ओपन नहीं हो रहा है, नहीं चल रहा है, तो उस प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपके फ़ोन में गूगल फोटो ओपन नहीं हो रहा है, नहीं चल रहा है, नहीं काम कर रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन करना है। तो चलिए प्ले स्टोर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद अब आपको क्या करना है कि सर्च बॉक्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको गूगल फोटो टाइप करना है। तो चलिए यहाँ पर हम गूगल फोटो टाइप करते हैं। गूगल फोटो टाइप करने के बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ से इसको सर्च करना है। सर्च करने के बाद अब आपको ऊपर में गूगल फोटोज दिख जाएगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको अपडेट का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको अपडेट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका गूगल फोटो अपडेट होने लगेगा। अपडेट होने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको कट कर देना है। कट करने के बाद अब आपको अपने फ़ोन में गूगल फोटो को ओपन करके देखना है, चला के देखना है कि आपका जो गूगल फोटो है वह ओपन हो रहा है कि नहीं, चल रहा है कि नहीं, यानी कि काम कर रहा है कि नहीं। अगर आपका प्रॉब्लम इतना से ठीक नहीं होता है, तो अब आपको अपने मोबाइल के डिस्प्ले को ऊपर से नीचे की ओर डाउन करना है। डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको एक मोबाइल डाटा का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यहाँ से सिंपल इसको ऑफ़ कर देना है। ऑफ करने के बाद आपको अपने फ़ोन में एक बार एरोप्लेन मोड को ऑन करना है। ऑन करने के थोड़ा देर बाद इसको ऑफ़ कर देना है। इतना करने के बाद अब आपको अपने फ़ोन में मोबाइल डाटा को ऑन करना है। ऑन करने के बाद यहाँ से आपको कट कर देना है। कट करने के बाद अब आपको फ़ोन में सेटिंग्स को ओपन करना है। तो चलिए सेटिंग्स को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद अब आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे में ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पे जाना है। जाने के बाद अब आपको यहाँ पर एक ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसमें आपको गूगल फोटो को ढूंढ लेना है। गूगल फोटो ढूंढने के बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर दिख जाएगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक स्टोरेज यूजेज का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मैनेज स्पेस का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको डिलीट पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद यहाँ से इसको बैक करना है। बैक करने के बाद यहाँ पर आपको एक डाटा यूजेज का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पर जाना है। जाने के बाद अगर आपके फ़ोन में डिसेबल मोबाइल डाटा और डिसेबल वाईफाई, अगर आपके फ़ोन में यह जो दोनों ऑप्शन है यहाँ से ऑन है, तो सिंपल आपको यहाँ से इसको ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ करने के बाद अब आपको यहाँ से कट करना है और रिसेंट से सारे चीज़ को हटा देना है। हटाने के बाद अब आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन में गूगल फोटो को ओपन करना है। तो चलिए गूगल फोटो को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे फ़ोन में गूगल फोटो ओपन हो गया है। यहाँ पर मेरा गूगल फोटो चल रहा है। अगर आपके फ़ोन में गूगल फोटो ओपन नहीं हो रहा था, नहीं चल रहा था, तो उस प्रॉब्लम को आप इस तरह से ठीक कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।